Congress President Sonia Gandhi has reached Sasaram in Bihar to campaign for Meira Kumar. Let's go across live. अच्छी तरह से सही तरीके से हुआ या नहीं आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं। वैसे तो कांग्रेस की नीति रही है कि पिछड़े क्षेत्र प्रगति करें और विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिले, खासतौर से कतार का अंतिम व्यक्ति अपने को बेसहारा महसूस ना करें और फिर उठाकर जिए। हमारे 2004 और 9 के चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में वे करीब करीब पूरे हुए। महात्मा गांधी नरेगा जो साल में 100 दिन का रोजगार की कानूनी गारंटी दी, 14 साल तक के बच्चों को कानूनी तौर पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया, विपक्ष की तमाम बाधाओं के बावजूद देश में कोई भूखा ना सोए इसके लिए खाद्य सुरक्षा या भोजन सुरक्षा कानून बनाया, नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया है जिससे अब कोई भी किसी की जमीन बिना उनकी सहमति और बिना पूरा मुआवजा दिए नहीं ले जा सकेगा। कांग्रेस के विरोधी खासतौर से जो खुद भ्रष्ट है और हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे या आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सूचना के अधिकार का कानून बनाया जिसे कोई भी किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में कानूनी तौर पर जानकारी हासिल कर सकता। मेरी बहनों को जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त बनाना कांग्रेस का संकल्प है। हमने लड़कियों की शिक्षा के लिए वजीफा, उनकी शादी, गर्भवती माताओं और उनके होने वाले बच्चों की देखभाल के लिए अन्य कार्यक्रम शुरू किए और महिला सशक्तिकरण की हमारी नीति का मिसाल है यह है कि आपके क्षेत्र की सांसद मीरा कुमार जी को कांग्रेस ने देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस जिम्मेदारी को निभाया वह काबिले तारीफ है। मैं जानती हूँ कि परिवार में जब कोई सदस्य बीमार होता है तो उसका असर पूरा परिवार पर पड़ता है, उनका सुख चैन छिन जाकर कर्ज भी लेना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। इसीलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश और समाज के एक एक नागरिक के हित में, मैं विकास की बात कर रहा हूं, मैं नौजवान के रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं माताओं बहनों के सम्मान की बात कर रहा हूं और इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है और इसलिए जब मैं कहता हूं महंगाई के ऊपर दिल्ली में बैठी भी कांग्रेस सरकार जवाब दे तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है। मैं पूछता हूं नौजवान को रोजगार के संबंध में वादे किए थे जवाब दो तो वो कहते हैं सेक्युलरिज्म का क्या है।
मैं कहता हूं माताओं बहनों पर सम्मान के सवाल खड़े हुए हैं, निर्दोष बेटियों पर बलात्कार होते हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए जवाब दो। तो वो कहते हैं पहले सेक्युलरिज्म की बात करो। मैं कहता हूं किसान को पानी मिलना चाहिए, खेत में पानी मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं पहले जरा सेक्युलरिज्म की चर्चा हो जाए। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या देश में रोजगार की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नौजवानों के भविष्य की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई से मर रहे परिवारों की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भूख से मर रहे गरीबों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? असुरक्षित माताओं बहनों की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश के सेना के जवानों के सर काटे जा रहे हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी इन जवाबों से कतरा रही है, एक ही माला जप रही है, सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है, अब मैडम सोनिया जी की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि 40 साल से एक ही भाषण रटा रटाया पड़ा है इनके पास। 40 साल से एक ही तर्क देकर के चुनाव जीतते आए हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक चाय वाला आकर के उनसे कामों का हिसाब मांगेगा। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि गरीब मां का बेटा एक गरीबी के नाम पर देश को मूर्ख बनाने वालों का कभी हिसाब मांगेगा।